Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ritika and teaching Ritika vlogs. I hope you all are doing well. So uh मेरा एक्सपीरियंस कैसा था बीएससी में थ्री ईयर एक्सपीरियंस मेरा कैसा था और विच इज बेस्ट मतलब बीटेक बीएससी एस कौन सा अच्छा है कौन सा आपको मतलब बहुत अच्छा आईटी के लिए जो बच्चे जाते हैं उनके लिए कौन सा फायदेमंद होगा कौन सा आपको करना चाहिए तो ये वीडियो टोटल उसके ऊपर है तो वीडियो को एंड एंड तक देखना एकदम भी स्किप मत करना तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाकर पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि मैं जो भी फ्यूचर वीडियो लाऊ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था बीएससी में बात करते हैं और आपको बी करना चाहिए बी करना चाहिए कुछ क्या करना चाहिए मैं सब बताऊंगी तो चलो तो जैसे कि मेरा स्टिल अभी मैंने इंटरव्यू दिया था रिसेंट आप जानते हो तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो कुछ भी अगर आ, मतलब लाइक एच फोन करेगा तो सब पूछेगा ना नेम क्या है या फिर कौन से बैकग्राउंड लाइक जब अब बोलोगे ना कि मैं बी से हूं तो थोड़ा ये लो हो जाएगा लेकिन मेरा मेरे पास फर्स्ट पॉइंट था बिकॉज मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करती हूँ तो, और मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से था तो मैं सीएस से बिलोंग करती थी तो मैं ये बोल देती थी कि हाँ मैम मैं बी इन कंप्यूटर साइंस तो अच्छा ये कंप्यूटर साइंस है तो थोड़ा वो मैनेज हो जाता था लेकिन लाइक जैसे कि आप जानते हो बीएससी में बहुत सारा होता है लाइक फिजिक्स होता है केमिस्ट्री होता है बहुत सारा होता है तो अगर मैं बोलूंगी मैं बीएससी इन केमिस्ट्री से बिलोंग करती हूँ तो ये बोलेगा मतलब केमिस्ट्री का बच्चा मतलब आईटी में क्या कर, कर रहा है ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का बच्चा आईटी में नहीं जा सकता आई एक ऐसा मतलब ये है ना कि कोई भी बैकग्राउंड हो ना सिविल का बच्चा भी आई फिलहाल ऐसा सिचुएशन हो जाए क्योंकि वो मतलब आप उसके इंटरव्यू में किसी को भी लेते अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आईटी में जा सकते हो बस बात वही है लेकिन जब मतलब इंटरव्यू शेड्यूल कराना ही बहुत बड़ी बात होती है इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होती है इतना जल्दी तो आप अगर आपके पास मतलब लाइक देखो नॉलेज होगा तो इंटरव्यू तो क्लियर हो जाएगा जाएगा लेकिन अगर आप इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा तो आप इंटरव्यू दोगे कैसे और क्लियर होगा कैसे तो शेड्यूल कराना बहुत बड़ी बात होती है तो मतलब आपका बैकग्राउंड मैटर करता है अगर आप बीटेक हो तो मतलब जिंगारा ला लाइक ला, अगर आप बीटेक सीएस से करते हो तो वो तो कुछ पूछेगा ही नहीं क्योंकि डिफरेंस आ जाता है फोर ईयर और यहाँ थ्री ईयर लाइक जैसे कि बीटेक आप जानते हो फोर ईयर होता है बीटेक लेकिन बी एस सी थ्री ईयर होता है तो बस एज मतलब वन ईयर डिफरेंस हो जाता है और मतलब लाइक जैसे कि आप सी से करते हो बीटेक तो उनको प्रॉपरली बहुत कुछ पढ़ाया जाता है लेकिन अगर आप बीएससी से करते हो तो लाइक बीएससी में फिजिक्स होता है और बहुत कुछ होता है मिक्स होता है मतलब प्रॉपर देखो ऑनर्स ऑनर्स तो आपको कंप्यूटर साइंस ही रहेगा लेकिन फिर भी बहुत कुछ रहता है ना जैसे कि आप उस भी ध्यान दोगे लेकिन बीटेक में ऐसा नहीं होता तो आप सीएस से हो बीटेक बहुत बड़ी बात है तो आपको कंपनी बहुत जल्दी ले जाती है तो ऐसा कुछ है और जैसे कि मेरा बी था लेकिन मैंने मैनेज कर दिया क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करती हूँ और बीसीए लाइक पहले अगर आप देखोगे ना कि तो पहले आपका बीटेक जाता है बहुत ऊपर रखा जाता है फिर आपका सॉरी हा बीसी बीसी को रखा जाता है और फिर बीएससी को रखा जाता है बीएससी को तो बहुत कम मतलब ये देते हैं क्योंकि देखो बीसीए मैथ भी बहुत कुछ कंप्यूटर का नॉलेज देते हैं और बीटेक में सीएस से हो तो क्या ही बोल मैं छोड़ो तो ऐसा कुछ होता है और लाइक मैंने जब ये किया था तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था आपको सबको मालूम है जिसने वीडियो नहीं देखा तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके चेक करो मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है बेंगलोर से रिलेटेड पीजी से रिलेटेड मेरा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो डाला है और मैंने कैसे मतलब जॉब क्रैक किया वगैरह सब वीडियो है और एक मतलब आई थिंक मैकेनिकल फील्ड से एक बच्चा है जिसने कंप्यूटर साइंस से ही अपना आईटी में अपना करियर सेट किया तो उसका वीडियो भी है एक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आप जरूर चेक करना आप बहुत मोटिवेट हो गए तो बस वही है अगर आप मतलब बीटेक करते हो तो आपको कंपनी बहुत जल्दी लेती है क्योंकि आप सीएस से करते हो और देखो अभी तो बहुत सारे फील्ड से बच्चे आ रहे हैं सीएस में क्योंकि अभी तो सीएस का सीएस के बच्चे कम रहे हैं सीएस में लेकिन मतलब जैसे मैकेनिकल के बच्चे आ जा रहे हैं सिविल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोलॉजी का बच्चा भी कोई आ जा रहा है सीएस में क्या होता तो ऐसा कुछ अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है क्योंकि आईटीए में बहुत ज्यादा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है बेंगलोर हो जाए नोएडा हो जाए हैदराबाद हो जाए वहां मतलब जो भी जॉब रहता है आईटी में तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कंपनी लेती है तो क्योंकि रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड था जो मेरा ही बेस्ट का था तो वो जियोग्राफी आई थिंक वो जो मिट्टी वगैरह का पढ़ते है ना उसका आई में इन्फोसिस में हो गया तो क्या बताऊं तो ऐसा कुछ था तो ऐसे हो जाता है आपका लक भी मैटर करता है आईटी में लक मैटर करता है जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है आईटी में इतना जल्दी किसी का भी जॉब नहीं लगता अगर लगता है भी तो वो है तो कंपनी उसको निकाल देती है क्योंकि उसके पास मतलब नॉलेज नहीं है या फिर कुछ भी नहीं मतलब ऐसा कुछ होता है और अगर आपका लॉक फेवर करता है ना तो आप तो आईटी में टिक गए और आईटी में पैसा तो मैं क्या बताऊँ आप सब जानते हैं कि आईटी में बहुत पैसा है जितना कि एक आ, आ, मतलब बहुत अच्छा पोस्ट में अगर गवर्नमेंट पे रह के भी अगर मतलब व्हाइट मनी अगर मैं बोलू ब्लैक मनी तो उनके पास बहुत होता है बोलना नहीं चाहिए लेकिन सच होता है आप सब जानते हैं सच है ये लेकिन व्हाइट मनी में आईटी सबसे ऊपर में रखूंगी आई को क्योंकि पैसा ही पैसा है एक डेवलपर के पास जितना पैसा होगा ना अगर किसी के पास नहीं होगा लेकिन मंथ फर्स्ट में डेवलपर के अकाउंट में देखो कि वाओ कितना पैसा है लेकिन मंथ एंड में एकदम खाली क्योंकि डेवलपर का लाइफ भी ऐसा हो जाता है कि पैसा रहेगा हाँ पार्टी करते हैं ये करते हैं ऐसे हो जाता है तो लेकिन मेरा टॉपिक था कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था बीएससी वो सब छोड़ो तो बीएससी में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि अगर मेन बात है कि अगर आप बीटेक करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलते हैं एस कम्पेयर बीएससी एस कम्पेयर बीसीए बीए वगैरह कुछ भी बीटेक पहले आपको कंपनी ले जाती है तो मैं ये करूंगी पहले आप बीटेक करो अगर आप देखो तीन साल पढ़ रहे हो तो एक साल ज्यादा ही पढ़ लो हाँ बहुत बच्चा बोलते क्यों हम एक ज्यादा पढ़े अगर आप पढ़ोगे ना तो अच्छा जॉब लोगे एज कम्पेयर बी एस सी हाँ अभी मैं जॉब कर रही हूँ क्योंकि मैं सीएस से थी आप मतलब थोड़ा क्योंकि देखो टाइम पीरियड तो उतना ही लग जाता है एक बंदा अगर जो बीटेक करता है वही मेरे साथ पढ़ रहा है और मैं भी वही मतलब उसी के ये में पढ़ रही हूँ तो टाइम पीरियड तो जॉब लगने में उतना ही लग जाता है क्योंकि बहुत जल्दी जॉब लगती नहीं है ठीक है तो टाइम तो उतना ही लगता है तो मैं प्रेफर करूंगी आप बीटेक करो अच्छा देखो अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट होता है बीटेक में तो बहुत अच्छा है क्योंकि कॉलेज ज्यादातर बीटेक में कॉलेज प्लेसमेंट आ जाती है और अगर आप बहुत छोटे कॉलेज से पढ़ते हो या फिर ऐसा कुछ तो आप कुछ भी मतलब लाइक जैसे कि आप बेंगल जा सकते हो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है आप जाके चेक करो तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मेरे को कमेंट में जरूर बताना और बहुत सारा वीडियो मैंने डाला है कोचिंग रिलेटेड पीजी रिलेटेड डेंगू रिलेटेड बहुत सारा तो वो वीडियो जाके चेक करो तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना गया मैं रिप्लाई दूंगी जेनुअन सवाल पूछना मैं रिप्लाई दूंगी डेफिनेटली तो चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज और जिसने अभी सब्सक्राइब किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो थैंक यू